दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। आज दोस्तों बात करने वाले हैं एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग की। बहुत इम्पोर्टेंट ये चैप्टर रहने वाला है और इसके जो तीनों सेशन होंगे वो उसमें कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से कवर कर पाऊँ। दोस्तों इसमें हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो मेंडेलियन जेनेटिक्स और उससे रिलेटेड उसके जो एक्सेप्शन है, बेसिकली जो बेसिक एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स का बनता है, आज दोस्तों सबसे पहले उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों जो आप देख रहे हैं कि एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग जो है, इसमें हम अगर इस टर्म की बात करें सबसे पहले जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स जो है दोस्तों, जेनेटिक्स का बेसिक मतलब है कि आप यहाँ पर हेरेडिटी और वेरिएशन, ये दो चीज़ों का जो है वो हम स्टडी करते हैं। हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ये दो चीज़ें अगर आपको स्टडी कर रहे हैं आप, तो वो जेनेटिक्स के अंतर्गत करते हैं। हेरिडिटी में आप जो है बेसिकली वंशानुगत जो करेक्टर्स हैं, ट्रेट हैं, लक्षण है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं, मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पहुँच रहे हैं, उसकी संतति में पहुँच रहे हैं, उन लक्षणों को आप बोलते हैं हेरिडिटी। और एक करते हैं आप वेरिएशन का अध्ययन, तो वेरिएशन का बेसिकली मतलब है विभिन्नताएं। तो वेरिएशन में आप दोस्तों बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि किसी की डैम जो है वो 9 लीटर दूध दे रही है और जो ऑफस्प्रिंग पैदा हुई है वो 10 लीटर दूध दे रही है, तो वो विभिन्नता किस कारण से हुई है और ऐसी क्या बात हो गई कि ऑफस्प्रिंग जो है वो ज़्यादा अच्छा उत्पादन करने लग गई, ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करने लग गई, और वो ऐसा क्या रीजन रहा। इन दोनों चीज़ों का बेसिकली अगर हम अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है जेनेटिक्स। और ब्रीडिंग एक टर्म जो है यहाँ पर जोड़ी गई है, ब्रीडिंग जो टर्म है बेसिकली प्लांट ब्रीडिंग से इसको लिया गया है, और ब्रीडिंग और रिप्रोडक्शन ये दो टर्म जो है सेम सी चलती है। ब्रीडिंग और रिप्रोडक्शन में बहुत दोस्तों इतना ही फ़र्क है कि ब्रीडिंग में हम जो ऑफस्प्रिंग की परफॉर्मेंस है उसको सुधारते हैं, मतलब नस्ल सुधार जो हम काम करते हैं, ऑफस्प्रिंग की परफॉर्मेंस जो है वो हमें जो है अपग्रेड करनी है। ये हम अगर अपग्रेड करते हैं तो ये ब्रीडिंग में करते हैं। रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग पैदा होती है, ब्रीडिंग में भी ऑफस्प्रिंग पैदा होती है, लेकिन ऑफस्प्रिंग की परफॉर्मेंस अगर हम सुधार सकें, और वो सुधारने के लिए हमारे पास दो टूल्स यहाँ पर हमेशा अवेलेबल रहते हैं, एक सेलेक्शन और एक कलिंग। ये दो टूल जो है ब्रीडिंग में हम लगातार काम में लेते हैं जिससे नस्ल सुधार जो है वो किया जा सके। तो ये दो इम्पोर्टेंट टूल्स आपके पास होते हैं ब्रीडिंग करने के लिए। तो आप समझ रहे हैं ब्रीडिंग और रिप्रोडक्शन में अंतर, कि रिप्रोडक्शन में केवल ऑफस्प्रिंग पैदा होने की बात होती है, जबकि ब्रीडिंग में हम बात करते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस वाली ऑफस्प्रिंग पैदा हो, जिसके लिए हम जो है सिलेक्शन करते हैं, अच्छी नस्लों वाले डैम और शायर का चुनाव करते हैं, और जो ख़राब लक्षण वाले हैं आप परफॉर्मेंस जिनकी अच्छी नहीं है उनको हम जो है हमारे जो फार्म है जो बाड़ा है उससे हम रिमूव आउट कर देते हैं। कैस्टेशन भी इसका एक प्रोसेस है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो बेसिक टूल्स हैं वो कहलाते हैं सिलेक्शन एंड कलिंग ब्रीडिंग के लिए। और जेनेटिक्स आपको मैंने बता ही दिया कि इसमें बेसिकली किसका अध्ययन करते हैं हम, हेरिडिटी और वेरिएशन का। यहाँ पर अगर फादर की बात करें तो जेनेटिक्स सबसे पहले मेंडलवाद जो जहाँ से चला, और मेंडल जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं। ब्रीडिंग के अगर फादर की बात करें तो वो बैकवेल साइंटिस्ट जो हैं वो कहलाते हैं। तो ये बेसिकली बात होती है। तो सबसे पहले जेनेटिक्स की दोस्तों हम बात कर लेते हैं। तो जेनेटिक्स की दोस्तों सबसे पहले बात हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि हम बात कर रहे हैं किसकी, हेरिडिटी और वेरिएशन, ये दो चीज़ों की हम लगातार बात करते जाएंगे और इनमें ही हम जो है चीज़ें समझते जाएंगे। तो जेनेटिक्स का जब भी अध्ययन हो रहा है, और क्यों हम अध्ययन कर रहे हैं, ताकि हम प्रोडक्टिविटी उत्पादन जो है उसको इंक्रीज कर सकें, एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकें, मतलब कम मैनेजमेंट करना पड़े और ज़्यादा एफिशिएंट, आप समझ रहे हैं, ज़्यादा एफिशिएंट मतलब कम इनपुट और ज़्यादा आउटपुट आपको मिले, और अडेप्टेबिलिटी कि एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में अगर किसी को शिफ्ट किया जा रहा है ओवर द हेरिडिटी वेरिएशन लाकर, तो वो उस वेरिएशन के लिए अडेप्टेबल है या नहीं है। तो ये तीन बेसिक टारगेट जो हैं वो जेनेटिक्स के होते हैं, कि उत्पादन को बढ़ाना, एफिशिएंसी को बढ़ाना और अडेप्टेबिलिटी को इंक्रीज करना। ये तीनों चीज़ों में हम ये जेनेटिक्स के अध्ययन करते हैं। और हेरिडिटी की डेफिनेशन की अगर बात करें तो ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स
फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और वेरिएशन की बात करें, डिफरेंस इन द अपीयरेंस दैट ऑफस्प्रिंग शो फ्रॉम पेरेंट्स एंड सिबलिंग, मतलब पेरेंट्स और सिबलिंग में जो बेसिक डिफरेंस हुआ है, वो चाहे इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस हो, चाहे इन टर्म्स ऑफ उत्पादन हो, जो भी वेरिएशन आया है उसको हम वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव इफेक्ट हो, वो हम वेरिएशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। बाकी यहाँ पर भी डेफिनेशन जो है हेरिडिटी वर्सेज वेरिएशन का दिखाया हुआ है, वही चीज़ है। जो हेरिडिटी होता है ये पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन वेरिएशन जो है वो डाइवर्सिटी के लिए जिम्मेदार होता है। जितनी भी डाइवर्सिटी आप देख रहे हैं वो वेरिएशन के कारण आती है, विभिन्नताओं के कारण ही डेवलप होती है। हेरिडिटी की बात करें तो इवोल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं है, जबकि इवोल्यूशन जो डार्विन वाल, लेमार्क वाल, सारी चीज़ें ओरिजिन एंड इवोल्यूशन से आई है, वो सारी चीज़ें हम वेरिएशन के अंतर्गत जो है वो स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे फ्लैट फीट वर्सेज आर्क, ये चीज़ें हम जो है हेरिडिटी में देख सकते हैं कि किसी के माता पिता के फ्लैट फीट है और जो वंशानुगत पैदा हुई है, जो वंशावली पैदा हुई है उसमें आर्क फिट मिले हैं, तो ये हम वंशागति में देखते हैं। जबकि वेरिएशन की बात करें तो आई कलर, स्किन कलर, हेयर कलर, डिम्पल्स, फ्रिकल्स आर एग्जाम्पल। और प्रोडक्शन में हम जो है बेसिकली ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, जो ये पूरा एक डिपार्टमेंट एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट रहता है और आगे चल के सारी रिसर्च जो है इसी पे बेस्ड होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टर्म समझने के बाद नंबर ऑफ क्रोमोजोम, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, एक बार जल्दी से यहाँ देख लेते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोजोम की बात कर ले तो दोस्तों सबसे पहले कैटल जो है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम 60, रिवराइन बफेलो की बात करें 50, स्वयं बफेलो की बात करें 48, हॉर्स में 64, डंकी में 62। और यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था म्यूल का, कि इन दोनों के क्रॉस से जो है 64 और 63 का एवरेज निकाल के, और ये म्यूल में नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है वो 63 होता है, और म्यूल और हिन्नी में 63 क्रोमोजोम होने के कारण वो मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन नहीं कर सकता, और यही कारण है कि वो अपनी संतति जो है म्यूल और हिन्नी जो होते हैं वो अपनी संतति खुद उत्पादन नहीं कर सकते, क्योंकि मियोसिस वहाँ पर जो क्या होता है एब्सेंट होता है, क्योंकि जिसमें भी ओड नंबर पीछे आ जाएगा है ना, इवन और ओड नंबर, तो जहाँ भी ओड नंबर आ जाएगा वो स्पेसीज कभी भी मियोसिस जो है वो नहीं कर सकती है। तो यही कारण है कि म्यूल और हिन्नी जो है वो बंदे होते हैं। स्वाइन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 38, केट की बात करें दोस्तों 38, डॉग में ये 78, फाउल में 78, गोट की बात करें तो 60 कैटल के बराबर, शीप में 54 और कैमल में जो है 74। तो ये बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोजोम है जो हमें देखने को मिलते हैं जो डोमेस्टिक एनिमल्स की बेसिकली हम बात करें तो एक क्रोमोजोम की बात हमने की है। तो जो शेल होती है उसमें बेसिकली ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है, तो इनकी बात हम करके आए हैं अभी क्रोमोजोम की। क्रोमोजोम जो है बेसिकली डीएनए से बना हुआ है, ये देखिए आप डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए से बेसिकली ये बना होता है, चार पाइरिमिडिन और प्यूरिन जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उनसे मिलके ये बना होता है डीएनए ऑक्सीराइबो, है ना, डीऑक्सीराइबो जिसमें शुगर होती है। तो डीएनए के स्ट्रक्चर हम और आप काफ़ी पहले से पढ़ के आ रहे हैं। तो डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो एक ट्रेड के लिए जिम्मेदार होता है वो कहलाता है जीन। ठीक है दोस्तों, जब हम इसको इलोंगेट करते हैं, बड़ा करते हैं, खोल के देखते हैं क्रोमोजोम को, तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी दिखती है। और इसका एक पार्ट, मान लीजिए यहाँ से लेके एक पार्ट जो है यहाँ तक एक पर्टिकुलर ट्रेड के लिए जिम्मेदार है, तो बेसिकली क्या कहलाता है, तो पोर्शन ऑफ द डीएनए, ये क्या कहलाता है, जो कि फंक्शनल यूनिट है डीएनए की, वो कहलाता है जीन। जीन कंटेंट इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, और यहीं से फिर डीएनए, डीएनए से फिर आरएनए, आरएनए से फिर प्रोटीन। तो ये देखिए आप प्रोटीन, यही जो टर्म है ये क्या कहलाती है, सेंट्रल डोगमा, है ना दोस्तों, ये आपको बहुत अच्छे से पता है सेंट्रल डोगमा, जिसे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ये दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, ये देखिए प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स के जो है ए जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, टी से, और सी जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, जी से। तो ये आपको पता है यहाँ डबल बॉन्ड पाया जाता है, सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो ये डीएनए के स्ट्रक्चर आप और हम जो है वो काफ़ी अच्छे से पढ़ के आए। तो जीन क्या है, बेसिकली सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो कि रेस्पॉन्सिबल है, फंक्शनल यूनिट है, और ये कहलाते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। ये आपको पता है सबसे पहले मेंडल लॉ से हम शुरुआत करने से पहले, मेंडल लॉ पे जाने के पहले हम कुछ चीज़ें जो है वो समझना चाहते हैं। जैसे दोस्तों
सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इनहेरिटेंस, जब वंशानुगति की हम बात कर रहे हैं, हेरिटेबिलिटी की, तो इनहेरिटेंस जब ट्रेट एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच रहे हैं तो वहाँ वो अपना इफेक्ट दिखा रहे हैं, तो वो इनहेरिटेंस कहला रहा है। तो इनहेरिटेंस कब पॉसिबल हो पाया है, इसको सबसे पहले ग्रिगर जोहन मेंडल ने जो है सबसे पहले आइडेंटिफाई किया है दोस्तों, और इसीलिए ये फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहलाते हैं। वो फॉर्मुलेट सर्टेन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस नोन बाय मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पर दो क्रॉस चलते हैं। सबसे पहले मेंडल ने जो बात करी थी वो दो क्रॉस के बारे में बात करी, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो दोस्तों मोनो हाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस है जब आप एक जीन और एक करेक्टर का आप इनहेरिटेंस देखें, आप सिंगल करेक्टर एक बार में स्टडी कर रहे हैं, बाकी और करेक्टर से आपको लेना देना नहीं है, तो अगर उसको कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और यदि आप दो करेक्टर की स्टडी कर रहे हैं, जैसे आपने केवल लंबाई का करेक्टर ही लिया है ना, लेंथ का करेक्टर लिया है, तो फिर आप और करेक्टर को भूल जाएं, तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। और वहीं डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा जब आप दो करेक्टर को एक साथ काम में लें, दो करेक्टर की वंशानुगति हेरिटेबिलिटी का अध्ययन अगर आप कर रहे हैं, तो फिर वो कहलाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो हाइब्रिड जो क्रॉस है दोस्तों, इस पर दो लॉ, दो नियम बनाए गए मेंडल के द्वारा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस। और जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उस पर एक नियम जो मेंडल का थर्ड नियम कहलाता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तीनों नियम हम देखेंगे अभी, लेकिन बेस्ड किस पे हैं, शुरू के जो दो नियम है वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है, और जो अंतिम नियम है, जो थर्ड नियम है, वो डाई हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है। ठीक है दोस्तों, कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर हमें देखनी है। जैसे जीनोटाइप जो है जेनेटिक मेकअप कहलाता है, फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो वो फिनोटाइप कहलाता है, और जो अल्टरनेट फॉर्म होती है जीन की वो कहलाती है। यहाँ पर ये ए कैपिटल में और ये ए स्मॉल है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की एलील है ये, और अगर ये दोनों कैपिटल से अगर इनको डिनोट किया गया तो ये दोनों डोमिनेंस शो करिए, इसलिए इनको बोला जाता है डोमिनेंट एलील। क्या बोला जाता है दोस्तों, डोमिनेंट एलील। और यहाँ पर इनको अगर एक बड़ा कैपिटल सी और एक स्मॉल सी आप देख रहे हैं, तो इस कंडीशन में इनको बोला जाएगा हेटरोजाइगस एलील पेयर। यहाँ पर एक कंडीशन क्या कहलाएगी, हेटरोजाइगस। अगर दोनों सेम है तो ये कहलाएगी होमोजाइगस। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम, ये देख सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, तो होमोलोगस क्रोमोसोम आपको समझ में आ गया, होमोजाइगस डोमिनेंट एलील पेयर। इसके बाद रिसेसिव, अगर दोनों रिसेसिव स्टेज में, तो होमोजाइगस रिसेसिव एलील पेयर। और जिस लोकेशन पे ये जीन लगी हुई है क्रोमोजोम के, जिस लोकेशन पे ये जीन है उस लोकेशन को बोलते हैं जीन लोसाई। ये देख सकते हैं आप, क्या बोल रहे हैं, उस पर्टिकुलर जीन के लिए जीन लोसाई जो है उसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो हाइब्रिड में तो जो रेशो है उसको बेसिकली हमें याद रखना है, जो फिनोटाइप रेशो दिया हुआ है कि मोनो हाइब्रिड में जो रेशो मिलेगा वो 3:1 मिलेगा, जबकि डाई हाइब्रिड में जो रेशो मिलेगा आपको 9:3:1 आपको रेशो जो है वो मिलेगा। तो मोनो हाइब्रिड, और जब आप एक करेक्टर की स्टडी करते हैं तो वो मोनो हाइब्रिड कहलाता है, और जब आप दो इंडिपेंडेंट करेक्टर की स्टडी करते हैं तो वो डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है वो कहलाता है। यहाँ पर सिंगल पेयर इन्वॉल्व होता है जीन का, और यहाँ पर डबल पेयर जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। मोनो हाइब्रिड कब काम में लेते हैं आप, जब आपको किसी एलील की डोमिनेंस शो करनी हो, पता लगाना हो कि ये डोमिनेंट एलील इसमें कौन सी है और रिसेसिव एलील कौन सी है। डोमिनेंट एलील वो होती है कि जब वो हेटरोजाइगस कंडीशन में है तो जो जीन अपना प्रभाव दिखा दे वो कहलाएगी डोमिनेंट जीन, और जिस एलील का प्रभाव छिप जाए वो कहलाती है रिसेसिव एलील। ठीक है दोस्तों, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपके सामने मैंने बताई। इसके बाद मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड के रेशियो की दोस्तों हम बात करें, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ही करेक्टर लिया है, और वो करेक्टर है हाइट का, लेंथ का। तो लेंथ एक करेक्टर लिया है हमने किस में, मोनो हाइब्रिड के केस में। तो यहाँ पर देखिए, एक बड़ा पौधा हमने काम में लिया और एक छोटा पौधा जो है वो हमने काम में लिया, और दोनों से क्रॉस करवाई F1 जनरेशन में और F2 जनरेशन में जो हमें मिलेगा ये तो मिलेगा जीनोटाइप जो रेशो आता है 1:2:1, और जो फिनोटाइपिक रेशो आता है 3:1 का रेशो जो है बेसिकली हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो 3:1 का मतलब कि तीन पौधे जो हैं वो लंबे होंगे, एक पौधा जो होगा वो बौना होगा। और वहीं अगर हमें डाई हाइब्रिड रेशो निकालना है तो आप देख सकते हैं
फेनोटाइप के जो आपके पास 3:1 आया था उसको वापस 3:1 से मल्टीप्लाई कर दिया गया और यहाँ पर जो आया वो रेशो आ गया 9:3:1। और वहीं जीनोटाइप निकाला तो वापस 1:2:1 जो रेशो आया था उसको वापस 1:2:1 से मल्टीप्लाई कर दिया गया और वापस जो रेशो आया 1:2:1, 2:4:2 एंड 1:1 ये रेशो आपको जीनोटाइप। इसे ट्राई हाइब्रिड का अगर आपको निकालना है तो डाई हाइब्रिड का जो रेशो है उसको मोनो हाइब्रिड से वापस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 27:9:9:3:1 ये आपके पास जो है वो रेशो फिर आ जाएगा। तो आप नंबर ऑफ फिनोटाइप निकाल सकते हैं 2^n, जीनोटाइप निकालो 3^n, और यदि नंबर ऑफ जायगोट आपको निकालने के कितने जायगोट फॉर्म होंगे तो वो 4:5 जो है n आप लगा लेते हैं। और नंबर ऑफ हेटरोजाइगस कंडीशन जो है वो यहाँ पर n का नंबर होगा। जैसे हेटरोजाइगस कंडीशन की बात करें तो ए और ये बी, तो ये आप डाई हाइब्रिड आपकी कंडीशन हो गए तो यहाँ पर पावर जो है वो कितनी हो जाएगी, n का जो वैल्यू होगी वो 2 हो जाएगी। तो हेटरोजाइगस जो भी कंडीशन है वो यहाँ पर जो है वो पावर बन जाएगी। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसके बाद मेंडल्स लॉ की हम बात करेंगे, उससे पहले कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ एक बार। दीपिका जी हमारे साथ हैं, गुड इवनिंग। और मंजू जी हैं, मुकेश कुमार नागर हमारे साथ, गुड इवनिंग बॉस, गुड इवनिंग। प्रदीप चौधरी, गुड इवनिंग बॉस। ललित जी हमारे साथ जुड़े हैं, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। मंजू जी हैं, वेरी गुड। दिनेश सुनवा से हमारे साथ जुड़े हैं, गुड इवनिंग बॉस। रश्मि जैन हमारे साथ, गुड गुड नॉलेज शेयरिंग। प्रियंका मीणा जी, गुड इवनिंग सर। और दीपिका जी हमारे साथ, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कि आप जुड़ें। अब शुरुआत करते हैं हम दोस्तों मेंडल्स लॉ की, कि बेसिकली मेंडल लॉ जो है वो क्या कहता है। तो मेंडल ने अपने जो अध्ययन किए उसमें तीन बेसिकली लॉ जो है वो यहाँ पर दिए हैं। तो जो फर्स्ट लॉ दिया गया मेंडल के द्वारा वो दिया गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें कहा गया है कि जब रिसेसिव और डोमिनेंट एलील अगर साथ में है तो जो डोमिनेंट एलील होगी वो अपना प्रभाव दिखाएगी। तो ये कह रहा है कि हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग विल ओनली इनहेरिट द डोमिनेंट ट्रेट इन द फिनोटाइप। ये केवल फिनोटाइप की बात कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हेटरोजाइगस कंडीशन आई है तो इस पौधे में फिर भी लंबाई जो है वो मिली है। अगर ये पौधा 4 मीटर लंबा है, डबल टी, दोनों कैपिटल टी लगे, तो ये जो टी और एक स्मॉल टी साथ में, तो ये भी लंबाई की अगर बात करें तो वही 4 मीटर जो है वो आएगी। तो ये आपको समझ में आ गया कि रिसेसिव स्टेज में है तो भी अगर डोमिनेंट एलील वहाँ पर है तो वो अपना प्रभाव दिखाएगी। लेकिन अगर दोनों स्मॉल टी है तो अब ये हाइट जो है वो घट के 2 मीटर, 1.5 मीटर, 1 मीटर के आसपास जो है वो रह जाएगी। तो ये केवल लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है ये बेसिकली किस पे काम करता है, फिनोटाइप दिखाने के लिए बेसिकली ये लॉ जो है वो दिया गया। इसके बाद बात करें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, तो यहाँ कहा गया है एलील के बारे में। क्या कहा गया एलील के बारे में कि जब गैमिट का फॉर्मेशन होता है, मतलब हैप्लोइड की कंडीशन जब बनती है, चाहे स्पर्म का फॉर्मेशन हो चाहे ओवा का फॉर्मेशन हो, तो क्या होता है एलील जो है वो एक दूसरे से क्या होती है, सेग्रीगेट होती है। क्या होती है दोस्तों, सेग्रीगेट होती है, अलग हो जाती है एक दूसरे से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एलील और ये एलील जो है जब स्पर्म बन रहे हैं तो ये एलील यहाँ चली गई, ठीक है दोस्तों, ये और ये एलील जो है वो यहाँ चले गए। तो ये आप देख पा रहे हैं कि जब गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तब एलील एक दूसरे से जो है क्या हो जा रही है, अलग हो जा रही है, ठीक है दोस्तों। और वापस कब रीयूनाइट होती है, जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो होता है, तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान वापस ये रीयूनाइट हो जाती है। और इस नियम का आज दिन तक कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये सबसे बेस्ट नियम जो है मेंडल के नियम का माना गया है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस का भी एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का भी आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। लेकिन जो नंबर सेकंड का लॉ है कि जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तब एलील जो होगी वो एक दूसरे से क्या हो जाएगी, सेग्रीगेट हो जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नंबर सेकेंड में जो लॉ है उसमें देखने को मिलती है। उसके बाद थर्ड लॉ की अगर बात करें तो थर्ड लॉ जो है वो ये कहता है कि
अगर दो करेक्टर हैं, बेसिकली डायहाइब्रिड क्रॉस पे डिपेंड है, मैंने आपको पहले बताया कि थर्ड लॉ जो है वो डायहाइब्रिड क्रॉस पे डिपेंड है, तो ये कह रहा है कि जो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो लंबाई की जो जीन है उसको कलर वाली जीन से कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कह रहा है, ए पेयर ऑफ ट्रेड सेग्रीगेट इन डिपेंडेंटली, जो ट्रेड्स होंगे वो आपस में एक दूसरे पे प्रभाव नहीं रखेंगे सेग्रीगेट होने के दौरान, अलग होने के दौरान। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये इंडिपेंडली जो है मूव करेंगे तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझ में आगे होगी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, कि एक का प्रभाव जो है दूसरे पे नहीं होगा, एक एलील का प्रभाव दूसरी एलील पे प्रभाव पे वो नहीं रखेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहा है एज द इंडिविजुअल हेरिडिटी फैक्टर असॉर्ट इंडिपेंडेंटली डिफरेंट ट्रेड्स गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको बराबर चांस मिलेगा टू अकर टुगेदर इनहेरिटेंस ऑफ द वन पेयर ऑफ जीन इज इंडिपेंडेंट टू इनहेरिटेंस ऑफ द अदर पेयर। तो ये कह रहा है कि एक पेयर जीन का जो है वो अदर पेयर ऑफ जीन के साथ जाने के लिए हमेशा इक्वल चांस जो है वो रखता है, और कोई एक दूसरे पे जो है वो प्रभाव नहीं रखते। तो तीनों लॉ जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट, और तीनों लॉ जो हैं ये वापस खोजे गए जिस टाइम मेंडली खोज हुई उसके 16 से 17 साल बाद। ये तीन वैज्ञानिक आए, कोलशार, उग्रो डिब्रिज है ना, वॉन शेरमार्क और एक और वैज्ञानिक शायद वहाँ पर आए, उन तीनों ने वापस अलग अलग खोज किया, और तीनों जो लॉ है इनकी इम्पोर्टेंस को शो किया। उसके बाद मेंडल के जो लॉ है वो वापस लाइमलाइट में है। तो ये कहानी तो आपको बहुत अच्छे से पता होगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो डेफिनेशन है उसके बाद बात कर लेते हैं अपन। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जैसे टेस्ट क्रॉस की, तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है कि जो F1 प्रोजेनी है उसका हम अगर रिसेसिव पेरेंट से अगर क्रॉस करवा दें, F1 जो जनरेशन आपके पास आई है उसका रिसेसिव पेरेंट से अगर आपने क्रॉस करा दिया तो ये कहलाता है टेस्ट क्रॉस। ठीक है दोस्तों, और ये काम करता है जीनोटाइप को डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है जो रेशियो मिलेगा आपको 1:1 का जो है वो रेशियो मिलेगा। अब बैक क्रॉस जो है आप F1 जनरेशन का किसी भी पेरेंट्स के साथ अगर क्रॉस करवा रहे हैं तो फिर वह कहलाता है बैक क्रॉस। ठीक है दोस्तों, और यहाँ ये काम आता है बैकक्रॉस कि आपको पेरेंटल पॉपुलेशन में कोई इंपॉर्टेंट अगर करेक्टर है तो उसको आप वापस डिस्कवर कर सकते हैं। यही बैकक्रॉस का एक पार्ट तो क्या टेस्ट क्रॉस कि आपने रिसेसिव पेरेंट से साथ कराया, और एक होता है आउट क्रॉस। आउट क्रॉस में दोस्तों फिर क्या होगा कि आप डोमिनेंट जो पेरेंट्स है उसका F1 जनरेशन के साथ जो है क्रॉस करवाएंगे तो फिर वो कहलाता है आउट क्रॉस। कि यहाँ पर अगर डोमिनेंट अगर आपने पेरेंट से ले लिया तो फिर वो कहलाएगा आउट क्रॉस, और रिसेसिव पेरेंट्स अगर F1 के साथ क्रॉस कर रहा है तो वो कहलाएगा टेस्ट क्रॉस। तो दोनों को मिला के जो वो कहा जाता है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में आप जो है ना रिसेसिव के बारे में बताते हैं ना ही आप डोमिनेंट के बारे में बताते हैं, आप केवल बताते हैं पेरेंट्स के बारे में कि F1 जो जनरेशन तैयार हुई है, जो ऑफ स्प्रिंग पैदा हुई है उसका वापस से जो है वो क्रॉस कराया गया जो है विजिबल हो दूसरे सेक्स में, वो ट्रेड जो है वो विजिबल नहीं होगी। और इनकी जीन बेसिकली पाई ऑटोसोम पे पाई जाती है, ठीक है ना, लेकिन ये अपीयर केवल और केवल एक ही सेक्स में होंगे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट दूध उत्पादन केवल फीमेल में हो पाता है, ठीक है, बियर्ड की बात करें तो केवल मेन का लक्षण है, ठीक है, मेल वॉइस, तो ऐसे कुछ लक्षण है जो केवल अंडा ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी आधी जीन कहाँ से आ रही है, मेल से, और अगर अच्छी क्वालिटी का मेल आपने नहीं ढूंढा, क्योंकि ऑटोसोम जो है वो आधे माता से आते हैं आधे पिता से आते हैं, और इसकी जीन क्योंकि ये सेक्स लिमिटेड ट्रेट है इसीलिए हम बेस्ट क्वालिटी का साया ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर ये फीमेल का ही करेक्टर होता है, केवल फीमेल जो क्रोमोजोम है एक्स क्रोमोजोम केवल उसी पे होता है, या वाई क्रोमोजोम पे कोई ऐसा करेक्टर होता तो हम केवल उस क्रोमोजोम की बात करते हैं, लेकिन ये ऑटोसोम पे पाया जाता है, काई गुणसूत्र पे पाया जाता है। दैट्स वाई वी आर सर्चिंग फॉर गुड क्वालिटी सायर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट। दोस्तों ये भी होता है कि ऑटोसोम पे पाया जाता है लेकिन ये इन्फ्लुएंस होता है सेक्स सेक्स के कारण कि कौन से सेक्स में प्रेजेंट है। जैसे आप बाल्डनेस की बात करें, ठीक है दोस्तों, गंजेपन की, इंसानों में आप देख रहे हो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का इफेक्ट मान लें या किसी और इफेक्ट मान लें
कि आपको गंजापन जो है वो मेल में मतलब नर में ज़्यादा देखने को मिलेगा, फीमेल में बाल्डनेस की इतनी समस्या नहीं मिलेगी, क्योंकि लेकिन गुणसूत्र जो जीन है वो कहाँ पाई जा रही, ऑटोसोम पे ही पाई जा रही, लेकिन फिर भी उसका इम्पैक्ट आप देख लो मेल में ज़्यादा है और फीमेल में नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा होलेंडिक ट्रेड की बात कर लें कि ऐसे गुण ऐसी जीन जो केवल वाई गुणसूत्र पर पाई जाती है, वाई क्रोमोजोम पे लिंक्ड है, तो वो कहलाती है होलेंड्रिक ट्रेट्स। ठीक है दोस्तों, जैसे हाइपरट्रोकोसिस की जो मेल होते हैं उसमें आपको जो ईयर होते हैं उन पे बाल देखने को मिलते हैं, तो ये समस्या केवल किस में देखने को मिलेगी, मेल में। ये देख सकते हैं बाल्डनेस की समस्या आपको केवल किस में मिल रही है, बेसिकली मेल में। ऐसा नहीं कि फीमेल में नहीं मिल सकती है, मिल सकती है, लेकिन जहाँ 90 से 95% ये केवल मेल में मिलेगी और 2 से 4% आपको या बहुत ही नगण्य क्वांटिटी में फीमेल मिलेगी, और ये सेक्स लिमिटेड ट्रेट आपको दिख ही रहा है, दूध उत्पादन जो है केवल फीमेल का करेक्टर। इसके बाद बात करें दोस्तों सेक्स लिमिटेड ट्रेट की, तो सेक्स लिमिटेड ट्रेट वो है जो एक ही सेक्स में जो है वो सेक्स क्रोमोजोम जो होते हैं उससे लिंक्ड होते हैं, या तो एक्स पे लिंक्ड होंगे, ठीक है दोस्तों, बेसिकली एक्स क्रोमोजोम पे जो है वो लिंक्ड होते हैं, या फिर वो जो है वाई क्रोमोजोम पे जो है वो लिंक्ड होते हैं। तो ये एक्स और वाई पे अगर लिंक्ड है तो हीमोफीलियस का एक एग्जाम्पल आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल एलील होती है, अगर डिफेक्टिव एलील होती है तो उसका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो अगर एक क्रोमोजोम में ये पाई जाती है और एक में नहीं पाई जाती है डिफेक्टिवनेस, तो वो जो व्यक्ति है, वो जो इंसान है या वो जो महिला है, वो किसका काम करती है, कैरियर का। तो कैरियर महिला का जिसमें एक क्रोमोजोम पे डिफेक्टिव जीन है और उसकी शादी एक नॉर्मल पुरुष से हो जाती है जिसमें बिल्कुल भी हीमोफीलिया का करेक्टर नहीं है, तो उनकी जो संतान पैदा होगी वो आप देखिए, एक फीमेल पैदा होगी वो नॉर्मल होगी 25%, मतलब एक 25% फीमेल पैदा होगी वो क्या होगी, कैरियर होगी। एक मेल जो पैदा होगा वो नॉर्मल होगा और एक मेल जो पैदा होगा वो अफेक्टेड होगा। तो ये इम्पोर्टेंट कि यहाँ जो एक्स आ रहा है वो किससे आ रहा है, मेल से आ रहा है, और यहाँ पर जो एक्स आ रहा है एक बार ये आया है और एक बार ये आया है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिसेसिव ट्रेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, मास्क हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर वाई क्रोमोजोम होने के कारण वही एक्स क्रोमोजोम जो है अपना इफेक्ट जो है वो दिखाएगा। तो ये जो जीन है डिफेक्टिव जीन, ये इसकी माँ से इसको प्राप्त हुई है, और यहाँ पर वाई जीन है इसका प्रभाव दबेगा नहीं, दैट्स वाई ही इज शोइंग द करेक्टर ऑफ द हीमोफीलिया। तो फीमेल में कब आएगा, जब एक एक्स यहाँ से मिल रहा है वो भी डिफेक्टिव हो, और जो उसके फादर से एक्स मिल रहा है एक्स क्रोमोजोम वो भी डिफेक्टिव हो, तो फिर जो है वो इफेक्ट दिखाएगा। या बशर्ते ऐसी कोई बीमारी हो जो एक ही क्रोमोजोम है, मतलब वो रिसेसिव ना हो के डोमिनेंट जीन हो उसमें डिफेक्ट हो, तो फिर वो सारी फीमेल में और मेल में जो है वो लक्षण शो होगा ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सिक्स लिंक्ड करेक्टर जो हैं वो होते हैं। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ पर टर्म्स होती है, जैसे मल्टीपल एलील की बात कर लें कि एक ही जनसंख्या में जीन के बेसिकली दो एलील पाए जाते हैं, लेकिन दो से ज़्यादा अगर एलील है, मोर देन टू एलील अगर पाई जा रही है, दो से ज़्यादा आपको जीन के रूप देखने को मिल रहे हैं, तो फिर जो है वो आप उसको बोलते हैं मल्टीपल एलील। जैसे ह्यूमन ब्लड ग्रुप की बात करें तो ए भी मिलती है, बी भी मिलती है, और आई भी जो है वो यहाँ पर मिलती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितने ब्लड ग्रुप जो है वो आपको, नंबर ऑफ जीनोटाइप की बात करें तो टोटल जो है वो 6 जीनोटाइप जो है वो आपको मिल जाएंगे, जैसे आई ए और आई ए, ठीक है दोस्तों, और मिल जाएगा आपको आई ए आई बी, और फिर मिल जाएगा आई ए और सिंपल आई 0 ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, फिर इसके बाद बात करें आई आई बी और आई बी, फिर इसके बाद आई बी और आई ओ, और फिर आई ओ और आई, तो ये 6 जीनोटाइप जो है बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ जीनोटाइप की अगर बात करें तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं एन एन प्लस वन बाई टू, तो नंबर ऑफ जी आप यहाँ पर रख सकते हैं कि जीन कितनी है 3, ठीक है दोस्तों, तो 3 3 + 1 / 2, तो टोटल ये हो जाता है 6, तो 6 जीनोटाइप ये जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं।
ठीक है दोस्तों। इसके बाद प्लियोट्रोपी की बात करें कि ऐसी जीन जो एक से ज़्यादा लक्षणों को इफेक्ट करे, एक से ज़्यादा लक्षणों ट्रेड को जो है वो इफेक्ट करे, तो ये कहलाता है प्लियोट्रोपी। ठीक है दोस्तों, जैसे पी में आप देखते हैं कि पी जो मटर पे जिन्होंने गार्डन पी पे जो मेंडल ने काम किया उसमें एक जीन जो है वो शीड का शेप भी डिसाइड करती है और साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन उसमें कितना पाया जाएगा, ये दोनों चीज़ें उस एक जीन के द्वारा जो है वो डिसाइड होती है। तो ये सिंगल जीन जो है ये तीन चीज़ों को, ट्रेट ए, ट्रेट बी और ट्रेट सी को अगर डिफाइन कर रही है एक ही जीन, तो वो कहलाता है प्लियोट्रोपी और उस जीन को कहा जाता है प्लियोट्रोपिक जीन। ठीक है दोस्तों, उस जीन को क्या जाता है, प्लियोट्रोपिक जीन कहा जाता है उसको। इसके बाद दोस्तों बात करें हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कभी कभी क्या होता है कि जो जीन होती है, अभी तक हम मेंडल में हम देख के आए कि जो जीन होगी या तो वो लंबी होगी या छोटी होगी, मतलब एक चार फीट की हाइट और एक फीट की हाइट, लेकिन बीच वाला जो है कभी नहीं बनेगा, या तो वो एक फीट बनेगा या वो चार फीट बनेगा। लेकिन कहीं कहीं दुनिया में ऐसे करेक्टर्स हैं जो मेंडल ने खोज पाया, उसके बाद खोज हुई, उनको कहा जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कि ये करेक्टर भी पूरा नहीं आएगा और ये करेक्टर भी पूरा नहीं आ पाएगा, ना तो पूरी तरह से डोमिनेंट ना पूरी तरह से अच्छे से। एक तीसरा कलर जो है वो आपको देखने को मिलेगा, तो आप देख पा रहे हैं रेड और वाइट कलर से आप फ्लावर में क्रॉस अगर करवाते हैं तो पिंक कलर का फ्लावर जो है वो बन जाता है। तो ये डोमिनेंस पूरा भी नहीं कर पा रहा और ये रिसेसिव पूरा भी नहीं हो पा रहा, तो ये कहलाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहाँ पर डेफिनेशन की अगर बात करें हम कि रिलेशनशिप बिटवीन एलील्स विथ ए हेटरोजाइगस फेनोटाइप, केवल किस पे बात होगी, हेटरोजाइगस फेनोटाइप पे, इंटरमीडिएट बिटवीन द टू होमोजाइगस फेनोटाइप। तो जो हेटरोजाइगस बनेगा दोनों के बीच की अवस्था जो है वो बन जाएगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक रेड दो पिंक और एक वाइट जो है वो मिलता है, तो ये देखिए एक रेड दो पिंक मिल गए और एक वाइट जो है वो आपको मिल गया, तो ये कहलाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके अलावा एक होता है पॉलीजेनिक ट्रेट। ठीक है दोस्तों, तो पॉलीजेनिक ट्रेट बेसिकली होता क्या है, पॉलीजेनिक ट्रेट वो ट्रेट होता है जहाँ पर बहुत सारे जीन जो है वो एक ही करेक्टर को कंट्रोल करती हूँ, बहुत सारी जीन मिलके एक ही करेक्टर को कंट्रोल करती है। इससे पहले हम देख के थे प्लियोट्रोपी, है ना, प्लियोट्रोपी का मतलब था कि एक जीन जो है बहुत सारे लक्षणों को कवर कर रही है, अब बहुत सारी जीन मिलके एक लक्षण को कवर कर रही है। तो इंसानों में अगर हम बात करें तो ये बेसिकली क्वांटिटेटिव ट्रेट्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, जो क्वांटिटेटिव मात्रात्मक जो होते हैं, जिनकी मात्रा जो है बेसिकली हम ज्ञात कर सकते हैं, वो बेसिकली पॉलीजेनिक ट्रेट के अंतर्गत है। जैसे स्किन का कलर, कि कुछ लोग जो है ह्यूमन पॉपुलेशन में, इंसानों में बहुत ज़्यादा गोरे हैं, कुछ उससे थोड़े कम गोरे हैं, फिर और ज़्यादा कम गोरे हैं, फिर कुछ गेम में हैं जो इंडिया में बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलते हैं, तो जो समुद्री वाला इलाका है जैसे वेस्ट इंडीज या वहाँ पर बेसिकली आपको ब्लैक जो कलर की डोमिनेंस जो है वो मिलती है। तो आपको स्किन कलर देख सकते हैं, आप हाइट देख सकते हैं कि जो एसी अगर जापान वाला जो पार्ट है, नेपाल वाला, वहाँ हाइट थोड़ी कम मिलती है, चाइना बेसिकली इंडिया में जो है थोड़ी सी हाइट ज़्यादा मिलती है। इसके अलावा आप यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज की बात करें तो वहाँ हाइट जो है वो और ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आपको पॉपुलेशन जो है वो ऐसे देखने को मिलेगी, कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि आपको सेम चीज़ मिल जाएगी, तो ये कहलाता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मिल्क और मीट प्रोडक्शन भी जो है ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में ही आता है, कि किसी का दूध उत्पादन कम, किसी का दूध उत्पादन और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, तो ऐसे करके जब क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस बेसिकली आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसको आप मेजर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करें नॉन मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, कि मेंडल ने जो बताया उसके अलावा भी इनहेरिटेंस देखने को मिली, तो ये मैंने बात कर ली इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, कि आपको एक एलील ब्लू है और एक एलील जो है पिंक कलर प्रोड्यूस करेगी, लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ ना तो ब्लू आया ना पिंक आया और एक कलर जो है वो साइन कलर जो है वो आ गया है, तो ना तो यहाँ पर डोमिनेंस है ना यहाँ पूरा रिसेसिव, ये नया कलर जो है वो प्रोड्यूस हो गया है, तो ये एक इम्पोर्टेंट कलर आप देख सकते हैं। और एक होता है कोडोमिनेंस, जहाँ पर दोनों का ही अपना प्रभाव होता है, दोनों का ही, ना किसी का छिपेगा ना किसी का छिपाया जाएगा, तो ये कोडोमिनेंस कहलाता है, कि दोनों ही एलील अपना प्रभाव
शो करें, ठीक है, दोनों ही अपना प्रभाव एक्सप्रेस करें, तो यहाँ ब्लू भी और वाइट भी जो है आपको देखने को मिलेगा। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस, ये मेंडल के फर्स्ट लॉ के एक्सेप्शन है। फर्स्ट लॉ कौन सा था? लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो जो प्रभाविकता का नियम था, डोमिनेंस का नियम था, उसके ये क्या है दोस्तों, एक्सेप्शन है, कि यहाँ पर दोनों ही दिखे और यहाँ पर दोनों ही दिख गए। जबकि उसने कहा था कि फर्स्ट जो रूल दिया गया था उसमें कहा गया था कि जो डोमिनेंस होगा, जो सामने रिसेसिव एलील होगी, उसका प्रभाव जो है बिल्कुल खत्म कर देगा। तो यहाँ पर ना तो खत्म हो रहा है, मल्टीपल एलील जो है मैंने आपको दिखाई दिया अभी कि एक से ज़्यादा एलील जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। ह्यूमन ब्लड ग्रुप का केस हम देख के आए, वन जीन हैज मोर देन टू एलील, जबकि जो मेंडल थे उन्होंने केवल टू एलील की बात की थी, कि एक लंबाई की है और एक जो है बोनेपन की एलील वहाँ पर है। तो यहाँ पर बेसिकली मल्टीपल एलील आपको देखने को मिला। इसके अलावा पॉलीजेनिक ट्रेट अभी हम देख के आए, पॉलीजेनिक ट्रेट जैसे गेहूँ और तो बहुत सारी जीन मिलके एक करेक्टर को जो है वो मेजर कर रही है, कंट्रोल कर रही है। तो इसमें भी अलग अलग जो है आपको लक्षण देखने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि या तो इंसान 6 फीट का होगा या फिर 2 फीट का होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? अगर मेंडल के अनुसार होता तो वो या तो 6 फीट का इंसान होता या 2 फीट का इंसान होता, ठीक है। लेकिन पॉलीजेनिक ट्रेट होने के कारण, इतनी सारी जीन से कंट्रोल होने के कारण, वो आप देख पा रहे हैं कि मनुष्य की हाइट जो है 2.5 फीट से लेकर 6.5 फीट तक, हर इंच हर सेंटीमीटर पे आपको लाखों लोग जो हैं वो मिल जाते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं नॉन मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे ब्रीडिंग सिस्टम की। इसके अलावा आप कुछ लोग जो हैं वो मेरे साथ जुड़े हैं, विश्वास जी बेनीवाल हैं हमारे साथ, राम राम सर, राम राम। और हाँ, कार्ल कोरेंस, होग्रो डिब्रिज और सेनमार्क के तीन वैज्ञानिक थे जिन्होंने बेसिकली जो मेंडल्स की जो है वो रूल्स की वापस जो है खोज की थी। विभा जी हमारे साथ है, गुड इवनिंग डॉक्टर अतुल, गुड इवनिंग राहुल जी हमारे साथ है, प्रियंका जी थैंक यू फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, डॉक्टर जगदीश जी हमारे साथ जुड़े हैं, गुड इवनिंग बॉस, गुड इवनिंग। तो दोस्तों अब बात करते हैं ब्रीडिंग सिस्टम की। बेसिकली ब्रीडिंग सिस्टम जो है ये इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि ब्रीडिंग पॉलिसी जितनी बनाई जा रही है, आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लगातार जो प्लान आ रहे हैं, NAIP आया है अभी जो चल रहा है, फेज 4 में लगातार ये रन कर रहा है पिछले 1 साल से, और अभी इसी प्रोग्राम की वजह से जो है पूरे इंडिया में जो है वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब कृत्रिम गर्भाधान को जो है बिल्कुल फ्री किया गया केंद्र सरकार की तरफ से। नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम ये है, और कृत्रिम गर्भाधान जो बिल्कुल फ्री किया गया, उच्च नस्ल का जो है वो सीमन काम में लिया गया। तो ये नेप को अच्छे तरीके से समझने से पहले हम ब्रीडिंग सिस्टम को थोड़ा सा देख लेते हैं, कि ब्रीडिंग सिस्टम जो है RPCC पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ब्रीडिंग सिस्टम बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग, 2 प्रकार की ब्रीडिंग बेसिकली देखने को मिलती है। और इन ब्रीडिंग जो होती है वो क्लोज ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग, ये 2 प्रकार की होती है। इन ब्रीडिंग आप तब मानते हैं जब जनरेशन का जो गैप है, मतलब जिनके बीच में क्रॉस कराया गया है, उनमें 4 से 6 जनरेशन के पहले अगर कहीं क्रॉस हो गया है तो वो कहलाता है इन ब्रीडिंग। और यदि 4 से 6 जनरेशन से ज़्यादा गैप अगर वहाँ है तो वो फिर कहलाता है आउट ब्रीडिंग। तो आउट ब्रीडिंग खुद 4 प्रकार का होता है, एक होता है आउट क्रॉसिंग, एक क्रॉस ब्रीडिंग, एक हाइब्रिडाइजेशन, और एक होता है अपग्रेडेशन। और क्रॉस ब्रीडिंग फिर क्रिस क्रॉस, ट्रिपल क्रॉस, बैक क्रॉस, काफ़ी सारे प्रकार के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले इन ब्रीडिंग से। इन ब्रीडिंग बेसिकली है क्या? तो इन ब्रीडिंग की एक बात तो मैंने बताया कि मेटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल अगर आप कराते हैं, कि ऐसे जानवरों के बीच में आपने क्रॉस करवा दिया है जो आपस में एक दूसरे के क्या हैं, रिलेशन में हैं, मेटिंग में हैं, तो आप उनको फिर मानते हैं मेटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको जो है वो देखनी है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया कि ये जो है 4 से 6 जनरेशन का, अगर इससे कम अगर गैप है, अगर आपस में रिलेटिव्स हैं, तो फिर जो है इनब्रीडिंग वो कहलाता है। इनब्रीडिंग
इन ब्रेड एनिमल परफॉर्म रिड्यूस रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी कैन कोज वेरियस प्रॉब्लम। इससे जो है बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती। करवाते क्यों हैं? इन ब्रीडिंग इज डन ऑन द प्रोपोर्शनल जेनेटिक कॉन्स्टेंट इन लेबोरेटरीज पॉपुलेशन टू प्रोड्यूस क्रॉसेस। क्यों करवाते हैं? एक तो लेबोरेटरीज में आपको पॉपुलेशन जो है कॉन्स्टेंटली मेंटेन करनी है, प्योरिटी और होमोलोगोसिटी, है ना, प्योरिटी एंड होमोलोगस पॉपुलेशन अगर आपको तैयार करनी है तो फिर आप जो है इन ब्रीडिंग की तरफ जो है वो जाते हैं। तो प्योरिटी अगर आपको जितनी ज़्यादा चाहिए उतनी ज़्यादा जो है आप वो करवा सकते हैं, ठीक है। और इनब्रीडिंग बेसिकली अनइंटेंशनली किया जाता है विद टाइनी ब्लॉक कैप फॉर ब्रीडिंग एंड सिलेक्शन। आप ब्रीडिंग करवाने के लिए और सिलेक्शन करवाने के लिए आगे जो है आप ये काम में लेते हैं। और कहाँ काम में लेते हैं? बेसिकली यूनिवर्सिटीज द्वारा काम में लिया जाता है एक्सपेरिमेंटल वर्क के लिए। सीड स्टॉक बेसिकली सीड को मेंटेन करने के लिए, प्लांट ब्रीडिंग जो हम बात करके आए थे प्लांट ब्रीडिंग की, वहाँ पर इन ब्रीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा काम में ले जाता था। तो सीड का जब स्टॉक बनाना होता है तो आप इन ब्रीडिंग काम में लेते हैं। एनिमल पॉपुलेशन में और ह्यूमन पॉपुलेशन में जो है इन ब्रीडिंग अवॉइड की जाती है तो अभी यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा की जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद इसका एक सबसे बड़ा पार्ट है क्लोज ब्रीडिंग। सबसे जो पहला पार्ट है वो कहलाता है क्लोज ब्रीडिंग। ये सबसे इंटेंसिव फॉर्म जो है वो होती है दोस्तों, मोस्ट इंटेंसिव फॉर्म होती है। यहाँ पर क्या होता है, जो बहुत ही ज़्यादा नज़दीकी हैं उनके बीच में जो है वो मेटिंग कराई जाती है। ये तीन प्रकार की मेटिंग अगर देखने को मिलती है कि सायर का डॉटर्स हैं सन टू डैम और ब्रदर सिस्टर, जो एक्चुअल ब्रदर सिस्टर हैं कजिन नहीं, उनके बीच में अगर क्रॉस करवाया जा रहा है तो वो क्लोज ब्रीडिंग कहलाता है। अब ये करवाते क्यों है क्लोज ब्रीडिंग? कि रिसेसिव जीन को आप आइडेंटिफाई कर सकें और उसको फिर पॉपुलेशन से आप क्या कर सकें, इलेमिनेट कर सकें। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, एक्सपेरिमेंटल वर्क हो गया, इसलिए करवाते हैं क्लोज ब्रीडिंग। और प्रोजेनी आर मोर यूनिफॉर्म देन आउट ब्रीडिंग प्रोजेनी। और क्या नुकसान है? प्रोजेनी बिकम्स मोर ससेप्टेबल टू डिजीज एंड ब्रीडिंग प्रॉब्लम्स एंड रिप्रोडक्टिव फेलियर यूजुअली इनक्रीज। रिप्रोडक्टिव फेलियर बढ़ जाएगा, ठीक है, जो संतति पैदा होगी वो बीमारी के प्रति ज़्यादा ससेप्टेबल होगी, ज़्यादा जल्दी बीमार होगी। तो इससे रिलेटेड एक कहानी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं इनब्रीडिंग जब इनब्रीडिंग पूरी करता हूँ सेकंड लाइन ब्रीडिंग की बात कर लेता हूँ, उसके बाद थोड़ी सी उस कहानी की भी मैं चर्चा करूँगा जो हेमोफीलिया से रिलेटेड है। तो लाइन ब्रीडिंग की हम बात कर लेते हैं। और मोर डिस्टेंटली रिलेटेड एनिमल्स, मतलब इसमें थोड़ा सा दूर होगा, इतना ज़्यादा क्लोज ब्रीडिंग में जितना आपने रिलेशन बिल्कुल पास का देखा था वैसा रिलेशन नहीं मिलेगा। कजिन्स, ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड ऑफिसिंग हाफ ब्रदर और हाफ सिस्टर के बीच में अगर ये मेटिंग होती है तो फिर ये कहलाता है लाइन ब्रीडिंग। ये बेसिकली पोल्ट्री में जो है पोल्ट्री की जो स्ट्रेन है उसको मेंटेन करने के लिए जो है हम वो ये लाइन ब्रीडिंग जो है वो करवाते हैं। बाकी एनिमल पॉपुलेशन में इन ब्रीडिंग को अवॉइड किया जाता है। इनक्रीज जेनेटिक प्योरिटी अगर बढ़ानी हो, ठीक है, और डिजायरेबल अनडिजायरेबल बिकम्स ग्रुप टुगेदर विद ग्रेटर फ्रीक्वेंसी मेकिंग कलिंग ईजियर। और क्यों करवाते हैं? ताकि कलिंग जो है वो आसानी से कर सकें। एडवांटेज क्या है? यूनिफॉर्मिटी इंक्रीज, मतलब होमोजाइगस कंडीशन इंक्रीज करेंगे। और क्लोज ब्रीडिंग से थोड़ा सा ये जो डेंजर है उसको रिमूव करता है लाइन ब्रीडिंग। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है दो कहानी में से, हमारे पूर्वज की अगर हम बात करें तो वो क्लोज और लाइन किसी प्रकार की ब्रीडिंग ह्यूमन पॉपुलेशन में नहीं मिलती थी। हमारे पूर्वज जो थे वो कहते थे नाना का गोत, नानी का गोत, दादा का गोत और दादी का गोत, ये चारों गोत्र में जो है बिल्कुल भी शादी ब्याह संबंध नहीं होता था। तो ये एक तरीका था उनका इनब्रीडिंग को टालने का। और जो जो ब्रिटेन के महाराजा थे, ब्रिटेन के महाराजा जो रॉयल फैमिली कहलाती है, वो ऐसा मानती थी कि पूरी दुनिया का जो ब्लड है वो गंदा है, इम्प्योर है, और जो हमारे यहाँ पैदा होता है वो रॉयल ब्लड के साथ पैदा होता है। तो रॉयल ब्लड के साथ पैदा होता है तो उनमें एक डिजीज़ जो है हीमोफीलिया जो है वो हो गई। हीमोफीलिया ऐसी डिजीज़ होती है कि अगर एक बार ब्लीडिंग कहीं से स्टार्ट हो गई, कट लग गया छोटा सा भी, तो जो ब्लड होगा वो रक्त का थक्का वहाँ नहीं बनेगा, है ना, और रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो ब्लीडिंग लगातार जो है वो होती रहेगी और अल्टीमेटली जो है वो डेथ हो जाती है। तो काफ़ी स्टडी के बाद उन्हें समझ में आया कि हीमोफीलिया रोग को आप तब दूर कर सकते हो जब आप बाहर शादी करें। वो ऐसा मानते थे कि पूरी दुनिया का ब्लड जो है वो अशुद्ध है, और यही कारण है कि वो घर के घर में ही शादी करते थे, बाहर के लोगों से वो शादी नहीं करते थे। और मेटिंग भी जो क्लोज रिलेटेड एनिमल ह्यूमंस थे उनके बीच में होती थी, इसलिए हीमोफीलिया को जो है
रॉयल ब्लड डिजीज भी जो है वो कहा जाता है। तो एक इम्पोर्टेंट स्टोरी हेमोफीलिया के पीछे है कि कैसे जो है इसका रॉयल ब्लड डिजीज जो है वो नाम पड़ा। आइए दोस्तों अब बात करते हैं आउटब्रीडिंग की। आउटब्रीडिंग की दोस्तों सबसे पहले बात करें तो आउटब्रीडिंग जो है दोस्तों ये जो क्लोजली रिलेटेड एनिमल नहीं है, मतलब जिनमें जनरेशन गैप जो है 6 जनरेशन से ज़्यादा का गैप है, तो फिर जो है आप उसको क्या मान सकते हैं, आउटब्रीडिंग मान सकते हैं। अनरिलेटेड एनिमल का अगर आप करवा रहे हैं मेटिंग तो ये कहलाती है आउटब्रीडिंग। ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे, क्रॉस ब्रीडिंग भी देखेंगे, ग्रेडिंग अप भी जो है वो देखेंगे, और यहाँ पर आपको जो है आउट क्रॉसिंग भी देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ट्रू एनिमल दैट आर द डिफरेंट ब्रीड्स। तो दोस्तों आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आउट क्रॉसिंग की। तो आउट क्रॉसिंग दोस्तों बेसिकली होता क्या है कि एक ही ब्रीड के अंदर जो है आप 4-6 जनरेशन से ज़्यादा का गैप अगर ले लेते हैं, 6 जनरेशन से ज़्यादा का गैप है, ठीक है दोस्तों, 4 से 6 जनरेशन से ज़्यादा गैप है और सेम ब्रीड के अंदर आप मेटिंग करवाते हैं तो फिर ये कहलाता है आउट क्रॉसिंग। मतलब साहिवाल का आपने साहिवाल से, मुर्रा का आपने मुर्रा से, गिर का क्रॉस आपने गिर से अगर करवाया, लेकिन ये आपस में रिलेटेड नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों, इनमें 6 जनरेशन से ज़्यादा का गैप होगा तो ये कहलाता है आउट क्रॉसिंग। ठीक है दोस्तों, तो मेटिंग ऑफ एनिमल ऑफ डिफरेंट फैमिली विद इन दी सेम फैमिली डिफरेंट होगी लेकिन ब्रीड जो है वो क्या होगी, सेम होगी। जनरेशन का गैप कितना होगा, 6 जनरेशन से ज़्यादा होगा। क्या फ़ायदा है, प्रपोज इज टू ब्रिंग इन टू द ब्रीडिंग प्रोग्राम्स ट्रेड दैट आर डिजायरेबल बट नॉट प्रेजेंट इन ओरिजिनल। जो ओरिजिनल एनिमल आपके पास हो उसमें वो है नहीं लेकिन उस ब्रीड में जो है वो मेंटेन हो रहा है, तो उससे आप जो है वो करेक्टेड जो है वो ला सकते हैं। यूज मोस्ट बाय प्योर ब्रीड ब्रीडर्स, पॉपुलर बिकॉज इट रिड्यूस द चांस ऑफ अनडिनाइबल ट्रेड्स आर स्टिल प्रेजेंट। सिंपलेस्ट आउट ब्रीडिंग अगर कोई है तो ये कहलाती है आउट क्रॉसिंग। आपके पास मुर्रा की भैंस है और आपने मुर्रा नस्ल का सीमन काम में लिया है, प्योर मुर्रा नस्ल का, तो फिर वो कहलाता है आउट क्रॉसिंग। ठीक है दोस्तों, ये सिंपलेस्ट आउट ब्रीडिंग की फॉर्म है। इसके बाद जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई और इसके ऊपर काफ़ी सारे प्रोग्राम जो हैं वो चलाए गए, ये कहलाता है क्रॉस ब्रीडिंग। तो क्रॉस ब्रीडिंग में आप डिफरेंट ब्रीड जो है वो क्रॉस करवाने के लिए, डिफरेंट ब्रीड के बीच में अगर क्रॉस करवा रहे हैं तो फिर वो कहलाता है क्रॉस ब्रीडिंग। कि आपने मुर्रा क्रॉस सूरती से करवा दिया, गिर का क्रॉस है वो साहिवाल से करवा दिया, तो जब आप डिफरेंट ब्रीड के बीच में अगर क्रॉस करवा रहे हैं तो ये कहलाता है क्या दोस्तों, क्रॉस ब्रीडिंग। यहाँ पर एक टर्म आती है हाइब्रिड वीगर और हिट्रोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये कहलाती है कि मान लीजिए जिसके बीच में आपने क्रॉस करवाया है कि और जो ऑफ स्प्रिंग पैदा हुई है, मान ली ए और बी के बीच में आपने क्रॉस करवाया और सी जो है वो पैदा हुई है और बी जो है वो 10 लीटर दूध देती थी लेकिन सी जो है वो 15 लीटर दूध देती है, तो ये 5 लीटर का जो फ़ायदा हुआ जो पॉजिटिव इन टर्म्स में, वो कहलाता है हाइब्रिड वीगर। कि अपने पेरेंट से भी वो क्या बन गए हैं, सुपीरियर बन गए। तो यहाँ कहा है सुपीरियर ट्रेड्स दैट रिजल्ट फ्रॉम क्रॉस ब्रीडिंग, कि क्रॉस ब्रीडिंग से रिजल्ट जो रिजल्ट उत्पन्न हुआ, सुपीरियर ट्रेड का जो परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई, वो कहलाती है हाइब्रिड विगर और हेट्रोसिस। ठीक है दोस्तों, न्यू ब्रीड बनाने काम आता है, जैसे हम देख के आए थे नई ब्रीड, जैसे कैटल के कैटल बफेलो के केस में करण स्विस, करण फ्राइज, है ना, अच्छा तार पार कर से हमने बहुत पहले जो है काफ़ी सारे ब्रीड बनाए, जर्सिंद, टेलर, तो काफ़ी सारे ब्रीड जो है हम क्रॉस ब्रीडिंग के साथ बना रहे हैं। ब्रीड का कॉम्प्लीमेंटेशन जो है वो मिल जाता है कि दो अलग अलग ब्रीड में जो उत्तम करेक्टर हैं वो एक ऑफस्प्रिंग में आप ले आए हैं। कि जर्सी से हमने बहुत पहले जो है क्रॉस करवाया हमारी लोकल ब्रीड को और आज जो है जो लोकल ब्रीड है उसका दूध उत्पादन में जो है वो इंक्रीज हो गया, और उसके डिजीज रेजिस्टेंस की बात करें, है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता की, तो वो भी इम्प्रूव हुआ। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता यहाँ की लोकल ब्रीड से मिली और बाहर जो है जिसका सीमन काम में लिया गया, जो शायर काम में लिया गया, वो विदेशी नस्ल वाला काम में लिया गया। तो आप समझ रहे हैं दोस्तों, दो डिफरेंट ब्रीड के बीच में आप क्रॉस करवाएंगे तो ये कहलाएगा क्रॉस ब्रीडिंग, नाम में ही है क्रॉस ब्रीडिंग। ये बहुत प्रकार की देखने को मिलेगी आपको, क्रिस क्रॉस, ट्रिपल क्रॉसिंग, रोटेशनल क्रॉसिंग, ये बहुत टाइप के प्रकार की। कि क्रिस क्रॉस रोटेशनल में क्या करेंगे, पहले आप ए और बी से कोई जनरेशन जो है वो तैयार करेंगे, F1 प्रोजेनी आई,
और उसका फिर बुल बी से क्रॉस करवा दिया, फिर बुल ऐसे, फिर बुल बी, फिर बुल ए, फिर बुल बी। तो ऐसे आप जो है रोटेशनल क्रॉस जो है वो करवाएंगे। ये जो प्रोजेनी प्राप्त हुई उसमें एक बार ए पेरेंट्स काम में लेंगे, एक बार बी पेरेंट्स जो है वो काम में लेंगे। इसके अलावा कंपोजिट क्रॉस भी करवाते हैं। कंपोजिट क्रॉस में आप देख सकते हो कि इन चारों का जो इम्पोर्टेंट करेक्टर्स है वो पहले इन दोनों का क्रॉस करवा के ये बनाया गया, और इन दोनों का क्रॉस करवा के ये बनाया गया, और फिर इन दोनों के क्रॉस से जो है ये चारों के करेक्टर जो इम्पोर्टेंट करेक्टर हैं जो कंपोजिट क्रॉस ब्रीडिंग से आपको प्राप्त हो गया। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो होती है। इसके बाद दोस्तों बात करें हम ग्रेडिंग अप की। ग्रेडिंग अप जो है दोस्तों ये आप लेस एक्सपेंसिव होता है, और प्योर ब्रीड बनानी हो अगर आपको, आपके पास नॉन डिस्क्रिप्ट ब्रीड है, तो आप 7 से 8 जनरेशन में उस ब्रीड को जो है वो तैयार कर सकते हो। जैसे आंध्र प्रदेश में जो वहाँ की लोकल बफेलो थी, एपी में जो वहाँ की लोकल बफेलो थी, उसको जो एनडी थी नॉन डिस्क्रिप्ट, उसको मुर्रा से क्रॉस करवाया, जो ब्रीड 7 से 8 जनरेशन बाद बनी वो एक नई ब्रीड बन गई गोदावरी। तो ये एग्जांपल है ग्रेडिंग अप का। तो ये इम्पोर्टेंट एग्जांपल है गुड वे टू इम्प्रूव क्वालिटी। और इसमें जो मुर्रा का सीमन यूज किया गया वो लगातार 7 से 8 जनरेशन तक मुर्रा से ही जो ऑफस्प्रिंग पैदा हुई उसका जो है वो मुर्रा का सीमन ही ग्रेडिंग अप में काम में लिया गया। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट बार ही केवल क्रॉस करवाते हैं एक ही जनरेशन तक, तो वो कहलाता है टॉप क्रॉसिंग। ठीक है दोस्तों, तो यूज़ ऑफ प्योर ब्रीड साइज लॉन्ग इनफ विल इवेंचुअली लीड टू अमाउंट ऑफ ग्रेड ब्रीडिंग लेफ्ट इन द ऑफिस बिंग लेस देन। जब 1% से भी कम नॉन डिस्क्रिप्ट जो एनिमल है उसका जीन्स जो है 1% से कम हो जाएंगे, तो ये कहलाता है ग्रेडिंग अप। ठीक है दोस्तों, तो आजकल आप देख रहे हो कि भैंस कहीं की भी हो उसका क्रॉस हम किससे करवा रहे हैं, मुर्रा से। तो सबका जो है नस्ल सुधार का कार्यक्रम एक प्रकार से ग्रेडिंग अप जो है वो चलाया जा रहा है। और चौथा जो टाइप है स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन के दो स्पीसीज के बीच में क्रॉस करवाया जो थोड़ी सी रिलेटेड है आपस में लेकिन सेम जीनस में है, उसके बीच में अगर क्रॉस करवाया तो वो कहलाता है स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन। जैसे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हॉर्स और डंकी के बीच में क्रॉस करवाया, ये आप देख रहे हो 64 और 62, और नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है यहाँ 63 आ गया, तो म्यूल जो है वो जनरेट हो गया। अगर इनका सेक्स हम चेंज कर दें तो हिन्नी जो है वो डेवलप हो जाएगी। ऐसे लाइन की अगर बात करें और टाइगर के साथ क्रॉस करवाया है, तो अगर जो मेल पार्ट होगा तो वो आगे आएगा तो वो बन जाएगा लाइगर, अगर टाइगर आपने मेल लिया है तो फिर ये बन जाएगा टाइगर। ठीक है, फिर ये बन जाएगा टाइगो, नहीं तो ये बन जाएगा लाइगर। तो ऐसे दो स्पीसीज के बीच में क्रॉस करवा के एक नई ब्रीड जो है वो नई स्पीसीज जो है वो तैयार की जा रही है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर कुछ बहुत ज़्यादा एग्जांपल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो आजकल लगातार सुर्खियों में न्यूज़ में रहते हैं। जैसे बफेलो और काऊ से बफेलो बनाया गया, ऐसे कटेलो भी बनाया गया है, कैमल और लामा से कामा, डुजो काऊ और वाइल्ड या जीप बनाए गए, गोट और शिप से हिन्नी, जेगलियन लेओपोन लाइगर म्यूल पंपार्ट टाइगर टाइगोन टोएगर और जेब्रोट। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है अलग अलग चीज़ों को दो स्पीसीज जो काम में लेके बनाया गया। अगर हम जो मूवीज़ देखते हैं हम, जैसे क्रिस मूवी को हमने देखा था, तो वहाँ पर क्रिस मूवी में जो आजकल एक्सपेरिमेंट जो चल रहा है, क्रिस मूवी में एक ऐसा व्यक्ति दिखाया जाता है जिसमें रेप्टाइल के करेक्टर पाए जाते हैं। तो हम जब अगर इंटर क्लास करा पाए कि ऐसा ह्यूमन हम तैयार कर दें जिसमें रेप्टाइल के करेक्टर भी हो, तो फिर वो कहलाएगा इंटर क्लास हाइब्रिडाइजेशन। तो दो क्लासेज का, एक मेमेलियन क्लास और एक रेप्टाइल क्लास, अगर दोनों के करेक्टर्स अगर शामिल कर लिए तो वो इंटर क्लास। हाल अभी तक यहाँ तक पहुँचा नहीं, लेकिन मूवीज में जो है आजकल जो साइंस फिक्शन मूवी जो आती है उसमें ऐसा करेक्टर दिखाते हैं कि एक इंसान है और उसमें रेप्टाइल से करेक्टर की वो जीभ को बाहर निकाल सकता है, लंबी कर सकता है, और करेक्टर जो है किसी में उड़ने वाले इंसान दिखाया जाता है, तो बर्ड्स का वो करेक्टर दिखाया जाता है। तो यहाँ कुछ फोटोग्राफ्स आपको दिख रहे होंगे जो लाइगर और टाइगोन का यहाँ पर दिया गया है, ये देख सकते हैं आप, है ना, लाइगर टाइगोन, और ये जीभ आप देख सकते हैं कटेलो, ये कामा है, इसके अलावा ये म्यूल है और ये जेब्रोइड है। तो आप ये सब चीज़ें जो है वो अपनी इस पे स्क्रीन पे
देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करें इकोनॉमिक ट्रेड्स की, ये आज का लास्ट टॉपिक है। इकोनॉमिक ट्रेड्स की बात करें तो इकोनॉमिक ट्रेड जो है कैटल और बफेलो में हम बात करें, दो प्रकार के ट्रेड्स बेसिकली होते हैं, क्या कितना आया, टोटल फैट कितनी आई और लाइफ टाइम मिल्किंग की यानी कि, और गेस्टेशन पीरियड जो है वो कितना हुआ। इसके अलावा सब्जेक्टिव ट्रेड कैटल और बफेलो में बात करें तो बॉडी कन्फर्मेशन ये तब काम में लेते हैं जब उसका सुधारण होता है। इसके अलावा ब्रीड के करेक्टरिस्टिक्स आपको करने होते हैं या बॉडी रेजिस्टेंस जो है वो आपको देखना होता है। तो ये बहुत सारे ट्रेड जो है वो बेसिकली आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कलिंग को हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो अनप्रोडक्टिव एनिमल है उनको बाहर निकाल दिया जाए फार्म से। इनब्रीडिंग डिप्रेशन वो कहलाएगा जो जो ऑफस्प्रिंग पैदा हुई है उसमें होमोजाइगस कंडीशन होने के कारण जो है जो इसकी परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज होगा। प्लियोट्रॉपी की हम बात कर चुके हैं, एलील की हम बात कर चुके हैं, हेटरोसिस की हम बात कर चुके और ब्रीडिंग गोल्स की हम बात कर लें दोस्तों। तो ब्रीडिंग गोल जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट है कि सरकार ने कुछ ब्रीडिंग गोल्स रखे हैं कि आप जब ब्रीडिंग पॉलिसीज बना रहे हैं तो ऐसी पॉलिसी बनाएं जो क्लियर हो, मेजरेबल हो और अचीवेबल हो और जिनको बाद में जो है इवेल्यूएशन भी जो है वो किया जा सके कि आपने जो पॉलिसी बनाई है वो वास्तव में सही है या नहीं, और वो मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें, जो टारगेट पॉपुलेशन है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करें। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के आपको अपनी ब्रीडिंग गोल्स जो हैं वो तैयार करने होते हैं। तो दोस्तों ये था आज का चैप्टर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, इसका मुझे इंतज़ार रहेगा। और आप सभी जो है मेरे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मनीष जी हमारे साथ जुड़े हैं, गुड इवनिंग बॉस जी, गुड इवनिंग। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सब जुड़े।